यो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है देवांशु और आप देख रहे हैं टेकी दादा। तो ये लैपटॉप मैंने क्यों दिखाया, ये लैपटॉप मेरा नया लैपटॉप है, मतलब मेरा मेन सिस्टम है ये। मैंने अपना पीसी अपग्रेड नहीं किया, मैं सबको बोल रहा था कि मैं पीसी अपग्रेड करने वाला हूँ, बट पीसी ना अपग्रेड करके लैपटॉप लिया है। उसके पीछे कई सारे रीजंस है, पोर्टेबिलिटी, कॉलेज में हूँ मैं अब। तो मेन बात आती है अब कि इसके स्पेक्स क्या है। तो सीपीयू में हमको मिलता है इंटेल की तरफ से i7 8750H, जो कि 6-core 12-thread प्रोसेसर है, 2.2 GHz का बेस क्लॉक है एंड 4.1 GHz का टर्बो क्लॉक है। साथ में ही हमको यहाँ पे मिलता है GTX 1050 Ti 4GB वाला एडिशन, और ये मैक्स की मोबाइल वर्जन नहीं है, ये डेस्कटॉप वर्जन है जो कि फुल परफॉर्मेंस अपनी देता है। और साथ में ही हमको मिलता है 128GB का M.2 SATA SSD, NVMe SSD नहीं मिलती है, बट SATA SSD की भी काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है इसमें। साथ में हमको मिलती है 1 TB की हार्ड डिस्क, और साथ में एक एक्स्ट्रा सेटा पोर्ट इसमें फ्री है, जिससे कि आप फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा SSD या फिर एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो। और इस लैपटॉप में लगा है स्टील सीरीज का कीबोर्ड, जो कि रेड कलर में बैकलिट है। उसकी आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, बट उसमें कोई भी इफेक्ट्स नहीं है। और बात करूं मैं कीबोर्ड की क्वालिटी की, तो कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टैक्टाइल फील नहीं है, सॉफ्ट कीज हैं, बट ये फिर भी मशी कीबोर्ड नहीं लगता है, दबता नहीं है बीच में से, एकदम सॉलिड कीबोर्ड है ये। और बात कर लूँ मैं अपने माउस पैड की या फिर ट्रैक पैड की या फिर टच पैड की, सीधी भाषा में बोलूँ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके साथ। सिनेप्टिक ड्राइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा बेकार टच है इसका, बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है। कई बार तो अपने आप ही क्लिक हो जाता है, मैं बस स्वाइप कर रहा हूँ ट्रैक पैड पे और अपने आप ही क्लिक्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट मेरे हिसाब से वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गेमर्स एक्सटर्नल माउस यूज़ करेंगे। तो अब मैं बात करूँ मॉनिटर की, तो मॉनिटर है 15 इंच का, बट इसमें कोई भी कलर एक्यूरेसी नहीं है, कलर एक्यूरेसी बहुत ख़राब है इसकी। बट आप अगर गेम्स खेलते हो तो गेम्स में बहुत ही शार्प ये डिस्प्ले है, गेम्स में आपको बहुत मज़ा आएगा। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, जिसमें कि कलर्स का आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा होना चाहिए, तो मैं रिकमेंड ये लैपटॉप नहीं करूँगा। बट मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक एक्सटर्नल जो LG का मॉनिटर है वो इस लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस पर वीडियो एडिटिंग करता हूँ। और साथ में मॉनिटर पे मैट फिनिश है, जो कि ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाती है, जिससे कि ज़्यादा ग्लेयर नहीं आता है और आप अपनी स्क्रीन ईजिली देख सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। तो कनेक्टिविटी इस लैपटॉप की बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको सारे तरह के पोर्ट्स मिल जाते हैं, साथ में ये फ्यूचर प्रूफ भी है। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, जो कि थंडरबोल्ट पे नहीं है, बट फिर भी एक USB टाइप सी पोर्ट होना इस लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। साथ में आपको मिलता है एक USB 3.1 और एक हेडफोन जैक, और उसके साइड में ही आपको मिलता है एक माइक इनपुट। अगर आप मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो और आपको अपने माइक कनेक्ट करना है, तो भी आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर राइट साइड में हम देखें, तो सबसे पहले मिलता है चार्जिंग पोर्ट, और इसका चार्जर बहुत ही बड़ा है, 150 वाट का, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद हमको मिलता है 2 USB पोर्ट और एक SD कार्ड रीडर। तो इसमें आपको सारे ही पोर्ट्स मिलते हैं, बट इसमें एक DVD ड्राइव नहीं है, जो कि मेरे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं DVD ड्राइव वैसे भी यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे लिए वो ज़माना गया DVD का, अब मैं सब कुछ USB पे करता हूँ, तो DVD ड्राइव ना होना मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब बात करूँ मैं चार्जर की, तो इसमें 150 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा चार्जर है, बट इस लैपटॉप के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है। साथ में आपको इसमें एक ड्रैगन सेंटर मिलता है, जो कि इनका खुद का प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, जिससे कि आप थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने CPU और GPU को। तो इसमें सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा वो है कूलर बूस्ट 5। उसमें क्या होता है, आपको एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है, उसको दबाते ही आपके जो फैंस हैं, कूलिंग फैंस, वो ओवरक्लॉक हो जाते हैं एक तरीके से और फुल स्पीड पे रन करने लग जाते हैं, जिससे कि आपका लैपटॉप ठंडा रहे। साथ में इसके स्पीकर्स की मैं बात करूं, तो एक हाउस पार्टी के लिए भी काफ़ी है, इसके स्पीकर्स बहुत लाउड हैं, आप मूवी देख रहे हो ग्रुप के साथ, अपने गैंग के साथ में, तो काफ़ी मज़ा आएगा, साउंड काफ़ी लाउड हैं इसकी। एक लैपटॉप से इतना बड़ा स्पीकर होने का मेरे को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था, बट सच में बहुत लाउड है और बहुत मज़ा आता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कुछ प्लास्टिक से है, और इसका प्लास्टिक बहुत ही गंदा हो जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, ऑयली बहुत हो जाता है ये, और इजीली साफ बिल्कुल भी नहीं होता है। बट बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रेजाइल हो, आसानी से टूट जाए, काफ़ी सॉलिड है बॉडी इसकी। और अगर मैं पीछे से बात करूँ, तो पीछे से पूरा खुला हुआ है, ऑलमोस्ट वेंटिलेटेड है, जिससे कि जो फैंस है वो इजीली ब्रीद कर सकें। बट इसमें भी मेरे को एक ड्रॉबैक लगा कि सब कुछ एक्सपोज्ड है, इसमें आपका जो मदरबोर्ड है, रैम है, SSD है, सब कुछ एक्सपोज्ड है। आपके टेबल पर अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो इनटेक के थ्रू जा सकता है और मदरबोर्ड को शॉर्ट कर सकता है, तो वो एक ड्रॉबैक मेरे को और लगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि MSI ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस लैपटॉप के साथ में, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बजट एफिशिएंसी में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप लाके दिया है।
क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा? अगर मैं गेमर्स की बात करूं जिनको ज़्यादा कलर क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको शार्पनेस चाहिए और FPS चाहिए और पोर्टेबिलिटी चाहिए ऑफकोर्स, तो थम्स अप, आप जाओ इस लैपटॉप को लो। Amazon का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके इजीली ले सकते हो। तो क्या मैं किसी वीडियो एडिटर को ये रिकमेंड करूंगा? देखो, अगर आप इसको एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करते हो जैसे कि मैंने पहले बताया, और आपका एक्सटर्नल मॉनिटर काफ़ी अच्छा है कलर वाइज, आपको लगता है कि हाँ कलर्स इसके ट्रू कलर्स हैं, तो डेफिनेटली जाओ, एक पोर्टेबल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एडिट वीडियो एडिटिंग करने के लिए। बहुत ही सॉलिड है और काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब मैं हर वीक एक नया बिल्ड लिस्ट ला के दूंगा आपको, वर्चुअल बिल्ड, जिससे कि कई सारे लोगों को हेल्प होगी कि उनको पार्ट्स चूज़ कौन से करने हैं। कई लोगों को डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ में कि यार मैं पार्ट्स कौन से चूज़ करूँ, कौन सा CPU लूँ, कौन सा GPU लूँ, तो उनको दिक्कत होती है काफ़ी। तो उसके लिए मैं वर्चुअल बिल्ड्स लाऊंगा हर वीक। तो उसमें आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से बजट का वर्चुअल बिल्ड चाहिए, मैं हाई एंड से शुरू करूँ या लो एंड से शुरू करूँ, वो आप लोग डिसाइड करो। मैं हर वीक आपसे पूछता रहूँगा कि कौन से बजट में आपको लिस्ट चाहिए। और साथ में मेरे को ये भी बताना कि आपको ऑफलाइन रेट्स पे चाहिए या फिर ऑनलाइन, जैसे कि MD कंप्यूटर्स या फिर Amazon। चलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं इसको। मेरा नाम है देवांशु, आप देख रहे हैं टेकी दादा। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।